हर साल भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास में आज का दिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज है। इसी युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश बना था। वही विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर जवानों की शहादत को नमन किया। वही मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मध्य प्रदेश में भव्य स्वागत किया जाएगा। सबके लिए आज का दिन बहुत विशेष महत्व का है। भारत के आज गौरव का दिवस है, खास करके बांग्लादेश पे इस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम, और ये एक तरह से हमारी अपने पराक्रम की पराकाष्ठा भी थी कि इस युद्ध में जितनी द्रुत गति से सरकार के निर्णय का पालन करते हुए सेना ने अंजाम तक पहुंचाया, तीनों क्षेत्रों में, तीनों तरह से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चंगेज खान और उनके पूरे प्लान को फेल करने का जो काम किया था। मैं आज के इस अवसर पर उस सारे बलिदानी अमर सैनिकों को भी स्मरण करना चाहूँगा जिनने भारत को ये गौरवशाली क्षण दिया है, और हमको हमारी सेना पर गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की इच्छा है कि हम और काम करें, अच्छा काम करें, और उनने लगातार काम के प्रति और विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने अभी तक किए गए कामों के साथ साथ प्रदेश सरकार के काम किए गए वो भी, और जनता के आशा आकांक्षा के आधार पे, और जनता के साथ नए लाभार्थियों को भी और नई योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रथ यात्रा की पूरा कल्पना की है, मैंने कल उसके संबंध में दो बैठकें की है, परसों भी मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करने के लिए कि प्रत्येक वर्ग तक इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और शासन की योजनाओं को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। सर, पोर्टल बनाया जाएगा मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए। कल बैठक है दिल्ली में आप लोगों की। अभी ये मैं खाली इसी बात पर समाप्त करता हूँ कि आज विकसित भारत यात्रा का बहुत अच्छे से हमने प्लान किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उज्जैन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।